हिमाचल में भाजपा सरकार को एक साल पूरा हो गया है। प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर पीएलटीवी ने लोगों से विशेष बातचीत की, जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की तो कुछ लोगों ने प्रदेश सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। राजीव राठौर ने बताया कि भाजपा का एक साल का कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभालते ही बुजुर्गों की पेंशन की आयु सीमा को कम कर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जो हिमाचल सरकार है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनका जो एक साल का कार्यकाल है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो वायदे किए थे, जो बीजेपी सरकार ने इलेक्शन के दौरान जो वायदे किए थे, उनमें से कुछ वायदे जो उन्होंने पूरे किए, अभी कुछ करने को बाकी हैं। जिनमें एक वायदा ही उन्होंने ये किया था कि जैसे 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके जो पेंशन है उन 70 साल से ऊपर की कर दी है, तो इस हिसाब से उनका ये फैसला बहुत अच्छा था। हमीरपुर के स्थानीय निवासी अनिल मनकोटिया ने बताया कि भाजपा का एक वर्ष का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है। भाजपा ने जो वायदे जनता के साथ किए थे उनको पूरा नहीं किया है, जिससे कि लोगों में प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक साल पूरा हुआ है और धर्मशाला के अंदर प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले एक साल के अंदर जिन वायदों को लेकर जो वायदे जनता के साथ किए थे उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार खरा नहीं उतरी है। मुख्यतः रोजगार की अगर बात की जाए, जो लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आता है कि उनको नियमित नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा भी प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन जो है बेरोजगारों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है, और बेरोजगारी खत्म करने को लेकर किसी भी तरह की कोई नीति जयराम सरकार लेकर नहीं आई है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अगर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखी जाए, कहीं भी किसी भी जिला हेडक्वार्टर पर जो है जो डॉक्टर वहाँ पर होने चाहिए, नियमित डॉक्टर वहाँ पर होने चाहिए, वो वहाँ पर नहीं है। अगर हमीरपुर की बात की जाए, हमीरपुर के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज ये नया बना है, इसके अंदर हम दिन प्रतिदिन लगातार जो है यहाँ पर कोई ना कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। मशीनरी की यहाँ पर कमी है, डॉक्टर्स की यहाँ पर कमी है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर भी जब चुनाव थे उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की थी। गुड़िया न्याय मंच की तरफ से जो है जिस तरीके से एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर जो एक बना था कि अपराध जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर रुकेगा, लेकिन जयराम सरकार पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां जो बढ़ी हैं। वहीं बुद्धि सिंह ने बताया कि भाजपा की जयराम सरकार ने लोगों को रोजगार के नाम पर ठगा है, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है, भाजपा द्वारा किए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया है। जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे उन वायदों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी है, क्योंकि जिस तरह से जो इन्होंने किराया बढ़ोतरी 25% की है उससे जो है जनता पर बहुत ही वजन जो है किराए का पड़ा है, और साथ में जो इन्होंने कहा था कि जो अस्थाई शिक्षक हैं उनको अभी तक स्थाई नहीं किया है, और जो पीटीए पर टीचर अनुबंध के तौर पर रखे थे उनको भी 3 साल पूरा होने के बाद जो है कोई नीति इस जयराम सरकार ने अभी तक नहीं बनाई, और जल रक्षकों के साथ भी इन्होंने बहुत ही बड़ा छल किया है। ये आज धर्मशाला में तो एक वर्ष का आज कार्यकाल का पूरा इंजॉय आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जनता के साथ इन्होंने जो छल किया है वो बहुत ही एक बुरी बात है।